नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मेरे YouTube चैनल डिजिटल फंक्शन पर आपका स्वागत है। फिर मैं आपके लिए एक और वीडियो लाया दोस्तों। आज बात करेंगे चावल की, बात करेंगे क्योंकि दोस्तों चावलों में काफ़ी तेज़ी से रेट बढ़े हैं हाल ही के दिनों में। तो मैं आज आपको दो तरह के चावलों के रेट के बारे में बताऊँगा, एक जो सेला चावल होता है और दूसरा जो बासमती रेगुलर होता है, उसका होल रेट बताने की कोशिश करूँगा अभी क्या रेट चल रहा है। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं या पहली बार, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। दोस्तों मैं किराना स्टोर व जनरल स्टोर से संबंधित वीडियो बनाता रहता हूं। दोस्तों चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले दोस्तों ये ताजमहल का चावल आता है, ताजमहल नाम से ब्रांड है ये, और ये सेला चावल होता है जिसको पक्का चावल भी कहते हैं, जिसको बॉयल चावल कहते हैं। और इसका जो होलसेल प्राइस चल रहा है अभी 33 रुपये चल रहा है, 33 रुपये किलो होलसेल प्राइस चल रहा है। यानी कि 30 किलो इसमें वजन आता है, जो पहले 25 किलो आते थे चावल के कट्टे, अब 30 किलो कर दिए गए, यानी कि 990 रुपये का कट्टा आ रहा है। और चिल्लर में 36 से 37 रुपये किलो बिक रहा है दोस्तों फुटकर पर, यानी 2 से 3 रुपये का प्रॉफिट होता है एक किलो पर चावलों में। कभी बहुत तेज़ी से बिकने वाला ये आइटम होता है, जो कि सेला चावल, पक्का चावल और बॉयल चावल इसको बोलते हैं लोग। और बात करें बासमती रेगुलर की, ये बासमती रेगुलर होता है जिसका 11-21 नंबर होता है और ये 576 नाम से आता है। इसका जो होलसेल प्राइस है वो 38 रुपये है, 38 रुपये किलो। आप लगा सकते हो क्या रेट पड़ रहा है, 38 रुपये किलो पड़ रहा है, यानी कि 1140 रुपये का ये पड़ रहा है किलो। इसके अंदर भी 30 किलो माल आता है और इसको जो चिल्लर में 45 से 50 रुपये फुटकर पर सेल हो रहा है, क्योंकि बासमती चावल है इसमें 5 रुपये से 7 रुपये किलो दुकानदार को बच जाता है। दोस्तों आपके वहाँ चावल महंगे हुए हैं तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और आपके वहाँ कौन कौन सा ब्रांड बिकता है जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, धन्यवाद दोस्तों।